नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दमोह जिला मुख्यालय पर जबलपुर नाका के पास खाली पड़े एक टपरे में एक प्रधान आरक्षक किसी शराबी के साथ हाथ ठेले पर शराब के नशे में सोता हुआ दिखाई दिया। उसका वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और अब हरकत में आई पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है, पुलिसकर्मी कौन है इसका पता लगाया जा रहा है और उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल यह वीडियो कब का है और किसने बनाकर वायरल किया है इस बात का आज पता लगाया जा रहा है। दरअसल शराबी पुलिस वाले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक प्रधान आरक्षक एक शराबी के साथ जबलपुर नाके के पास अस्थायी टपरे में एक हाथ ठेले पर सोता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी स्थानीय व्यक्ति ने इसका एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिसकर्मी कौन है इस बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों तक जब ये वीडियो पहुंचा तो इस मामले में CSP अभिषेक तिवारी ने कहा कि पता किया जा रहा है कि पुलिसकर्मी कौन है। इस बात की जानकारी ली जाएगी कि उसने यह दृश्य किस परिस्थिति में निर्मित किया है और यदि वह दोषी पाया गया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही जरूर की जाएगी।